जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से कोविड ड्यूटी कर रहा हूँ मैं तो। वैसे यहाँ तो मेरी जॉइनिंग 3 जुलाई को ही हुई है, उससे पहले भी मैंने सिविल हॉस्पिटल पे काम करा है। 31 मार्च से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे। जैसे एक ड्यूटी में जाते हमारी 6 आवर की शिफ्ट होती थी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जाते हमें 24 आवर के गैप के बाद जाना होता था। तो वहाँ पे जाते कई बार ऐसा होता था कि भी 22 पेशेंट हैं, 20 पेशेंट ही रह गए, या पेशेंट रिप्लेस हो गए, 2 पेशेंट एक्सपायर हो गए। तो ऐसा था कि मोर्टिलिटी रेट था थोड़ा सा ज़्यादा था कोविड जब पीक थी ना, और ऐसा था मिडिल एज और ओल्ड एज पेशेंट थे ना, सारे पेशेंट वही होते थे वहाँ पे मोस्टली। यंग पेशेंट यूजुअली रिकवर कर जाते थे। मैंने अपनी ड्यूटी में नहीं देखा कि यंग पेशेंट कोई एक्सपायर हुआ। उस टाइम लाइक इट वाज अ बिग टाइम, क्योंकि वी केम हियर ऑन जुलाई, लास्ट ऑफ जून, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग लाइक दिस फार अवे फ्रॉम होम। कोलकाता, वेस्ट बंगाल के बाहर भी मैं नहीं गई कभी। तो पीजी करने के लिए मैं इधर आ रही हूँ, और वो भी मतलब ऐसे एक टेंस सिचुएशन पे। और तो सब मिला के इट वाज अ वेरी लाइक पता नहीं क्या होने वाला है, जस्ट करना है, आना है, बस इसी से आ गए। तो हाँ, और आते आते ही कोविड ड्यूटी शुरू हो। एक बाबा थे, उसकी एज होगी 55-60 के अराउंड। ऐसा था कि वो मतलब बिल्कुल ठीक थे, बैठ के अपना खुद खाना खाते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह खुद काटते थे। लेकिन एक जैसे जैसे टाइम होता गया ना, दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसा हो गया कि वो खुद नहीं कर पा रहे कमाना का। बैर को बोलना पड़ता था, ऐसे उसको बोलना पड़ता था कि भी काट के दे दो इनको फ्रूट्स वगैरह। पर वो ना इतना ऐसे हो गए थे फ्रस्ट्रेट, जो उसको ना हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी हुई थी उस टाइम पे, तो कहे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो बार बार अपने ये निकाले थे नेजल के कि मेरे को नहीं चाहिए ऑक्सीजन, ये है वो है। फिर भी हम बार बार उसको लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हटाते तो हमारे पास मॉनिटर होते हैं, तो पता लग जाता है सैचुरेशन कम होती है तो मॉनिटर बजने लग जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि बाबा ने निकाल लिया। और हम ऐसे राउंड करते रहते हैं तो भी पता लग जाता है कि बाबा ने हाई फ्लो निकाल लिया, फिर हम बार बार उसको लगाते हैं। लेकिन फिर 3-4 दिन ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे फिर हम गए तो मैंने देखा कि पेशेंट नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा वो हरकत मेरे को याद आती है कि अगर वो बार बार ना हटाते तो हो सकता है शायद। एक अम्मा थी 60 ईयर्स फीमेल, वो एक तो हेल्पलेस होता है पेशेंट, तो इतना बार मुझे वो बुलाते थे ना कि बेटा आओ, बेटा मेरा ये हो रहा है, बेटा मेरा वो हो रहा है, एंड आई लाइक टू इंटरेक्ट विथ हर। मैं समझाती थी नहीं ये ठीक है, ये ऐसा होने वाला है आपके साथ अब, और वो ठीक हो गई। सो दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। घर वालों का ये रिएक्शन था जब सिविल हॉस्पिटल में था, तब भी ऐसा था कि भाई तेरी कोविड ड्यूटी तो नहीं लगने दूंगा मैं। ये सीन था, कोविड ड्यूटी लगने नहीं देते थे वो। फिर भी मेरा ये रहता था कि भाई ड्यूटी तो करनी है, कहीं करो। यहाँ के जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो घर वालों ने यही सोचा था कि कम से कम कोविड ड्यूटी से छुटकारा मिल जाएगा, ये है वो है। फिर मैंने समझाया कि ये नहीं हो सकता, डॉक्टर हैं तो करना पड़ेगा। बट मैं वैसे अपनी फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर हूँ। एक तो मेरा ब्रांच को लेके थोड़ा क्लैश हुआ था मेरे घर में कि मैं एनास्थीसिया करने वाली हूँ, दे डिडंट वांट मी टू डू एनास्थीसिया एट पर। फिर इधर आने के बाद ओके, आई टुक द डिसीजन, दे सपोर्टेड एट लास्ट। फिर इधर आने के बाद जब ये पता चला कि आके ही कोविड ड्यूटी लगने वाली है, देन दे वर टेंस। फिर जब मैं पॉजिटिव आई, दे लाइक दे कम्प्लीटली ब्रोक। अभी भी मैं जैसे कोविड ड्यूटी के चक्कर में मैं कम से कम 2.5 महीने हो गए मेरे को घर पे, क्योंकि मेरा घर तो यही है पास में, 20 किलोमीटर है बस। फिर भी मैं अवॉइड ही करता हूँ कि भी एक तो बीच में इमरजेंसी ड्यूटी लग जाते हैं 24 आवर में, तो उसके बाद तो वैसे टाइम नहीं लगता जाने का। और फिर बीच में कोविड ड्यूटी लग जाती है, क्वारंटीन होता है,
तो क्वारंटीन में इसलिए नहीं मन करता कि भी एक्सपोज हो रखे हैं, तो घर वालों को भी क्यों एक्सपोज करना है। आई वुड लाइक टू से दैट कि आई एम स्ट्रांग। इधर आने के बाद इतना प्रॉब्लम्स हुआ। आई हैड मी एंड माय हस्बैंड बोथ हैड एक्सीडेंट बिफोर आई केम पॉजिटिव फॉर द सेकेंड टाइम। बाइक एक्सीडेंट हुआ था, उसके दो दिन बाद ही पॉजिटिव आए। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई मैं संभाल लेती थी अपने आप को कि रहना है इधर, जैसे भी हो तो ठीक तरह से ही रहना है। बट व्हेन आई केम पॉजिटिव फॉर द सेकेंड टाइम इन नवंबर, आई बिकेम ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। तो दैट डे, दैट वाज द ओनली डे व्हेन आई कॉल्ड माय होम, टॉक टू माय मदर एंड आई क्राइड। आई कांट डू दैट एनीमोर। सो बस वही एक क्या बात हुआ था, मुझे जाना है घर। আমাকে নিয়ে চলো, আমি আর পারছি না এখানে এইভাবে তো যেতে পারবো না। আই ওয়াজ ইন ওয়ার্ড 24, আই ওয়াজ হসপিটালাইজড, দেন এইভাবে আর থাকতে পারছি না আমি। নেগেটিভ এলে আই উইল জাস্ট লিভ ইট অ্যান্ড আই উইল গো ব্যাক। বাট সাম হাউ এগেইন আই গট মাই থিংস টুগেদার অ্যান্ড বাড়ির লোকেরা বললো না যে আসছি আমরা নিতে। হ্যাঁ, দে ব্যাডলি ওয়ান্টেড টু কাম অ্যান্ড হোয়াট এভার, মতলব দেখনা থা মুঝে এসে কুছ। But I couldn't take the risk because both my parents have comorbidities. Like my mother is hypertensive diabetic. My father is okay as of now, but he sometimes has some panic attacks. So I couldn't take the risk for them ki utne dur se idhar aaye. By chance agar wo raaste mein positive ho jaye, and that time here also COVID was like acha hi prevalent tha. So I didn't allow them. फर्स्ट ईयर में जब यहाँ आते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें मोर्चरी में भेज दिया जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसेक्शन वगैरह हमें वहीं डेड बॉडी पे सिखाते हैं। तो ऐसा मतलब मेरे उसमें कुछ है नहीं कि भाई डेथ देख के ज़्यादा फर्क पड़ा हो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डेथ को आप डिफाइन कैसे करते हैं? आपको डेथ डिफाइन करने बोला जाए या फिर आपको लाइफ डिफाइन करने बोला जाए, तो फिर आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ मैं कि लाइफ और डेथ डिफाइन कर लूँ मैं। আমার মনে হয় পাতা গাছ, আই ন্যাচারালি ফিল ভেরি ক্লোজ টু ট্রিস অ্যান্ড দিস, সো আই থিঙ্ক দ্য ট্রিস রিপ্রেজেন্ট লাইফ, ইজ দ্য বিগেস্ট সাইন অফ লাইফ। তো পাতাগুলো মেইনলি লাইফ সিগনিফাই করে। আর পাতাগুলো ইউ সি ইচ লিফলেট হ্যাজ গট ডিফারেন্ট কালার, সো ইটস নট লাইক দে আর কনস্ট্যান্ট, they themselves also change as life does. So patagulo mainly mane amader jibon kibhabe change hocche seta represent kore.